क्लास 10th मोहम्मद आवेज दिस साइड और आज आप लोग लिए न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नेम है द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग सॉरी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। इसमें हम टू स्टोरीज पढ़ेंगे जो कि फ्लाइंग के ऊपर बेस्ड है और दो पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। सो आइए लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट जिसका नेम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफली बता देता हूँ शॉर्ट में कि किसके ऊपर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है ये एक सीगल के ऊपर बेस्ड है। सीगल एक कुछ बर्ड्स होते हैं जो सी के ऊपर उड़ते हैं और वहाँ पर सी साइड ही रहते हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड है चैप्टर। वो उड़ना नहीं सीख पाता है और उसको लास्ट में जाकर उड़ना सीखता है वो अपनी मम्मा के थ्रू। दैट्स द रीज़न द नेम ऑफ दिस पार्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए डिस्कस करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। देखिए लेज जो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, लेज एक माउंटेन का एक हिस्सा होता है। यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में मीनिंग लिखा हुआ भी है, नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल। ये तो चैप्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है मीनिंग, लेकिन यहाँ पर जो लेज मीनिंग वर्ड यूज़ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि माउंटेन्स के साइड में एक नैरो हिस्सा होता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं बर्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर ही हमारी स्टोरी चल रही है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यानी कि अपने लेज पर यंग सीगल अलोन था, यानी छोटा सीगल यानी छोटी बर्ड। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो भाई और बहन थे उससे एक दिन पहले ही वो उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, उसे डर लगता था उनके साथ फ्लाई करने में। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। वो थोड़ा डरता था मतलब उनके साथ जाने में और अपने विंग्स को खोलने में। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनेथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन, और काफ़ी ज़्यादा गहरा समुद्र था, बहुत ज़्यादा माइल्स तक था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। अब देखिए यहाँ पर उसने कोशिश करी लेकिन उससे थोड़ी सी मतलब सपोर्ट सा फील नहीं हुआ। वो चाहता था उसे मतलब सपोर्ट मिले लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था बिकॉज ही वॉज जस्ट अ बेबी। तो इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ था और वापस से वो अपने लेज में जाकर घुस गया था जहाँ पर वो सोया करता था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं उसके भाई बहन जो कि उसके मतलब सिबलिंग्स थे उनके विंग्स उससे कंपेरिजन में छोटे थे लेकिन स्टिल वो मतलब सक्सेसफुली उड़ पाते थे, लेकिन वो मतलब हिम्मत करने में फेल हो जाता था, उसके पास इतना करेज नहीं था। हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे। अब देखिए यहाँ पर उसको जैसा कि नॉर्मली बेसिकली होता ही है, उसके पेरेंट्स ने उसे थोड़ा स्कोल्ड किया, उसे थोड़ा धमकाया कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं, जब तक तुम बिल्कुल भूखे रहोगे तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। दैट वॉज 20 hours ago, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब यहाँ पर लगभग 20 hours बीत जाने के बाद वो लगातार अपने मम्मी पापा को देख रहा था, वो सिखा रहे थे अपने उनके दोनों बच्चों को यानी कि उसके भाई बहन को कि मतलब हाउ टू डाइव इन फॉर द फिश, कैसे मतलब अपना शिकार करें, कैसे परफेक्ट उड़ने में। इसके बाद ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग एंड डेवियरेट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज। अब देखिए यहाँ पर उसकी बेवकूफियों के लिए उसके मतलब जो डर रहा था उसके लिए उसे टॉन्ट मिलते रहे और वो नेक्स्ट डे एक बड़े प्लेटो पर गए उड़ने के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब यहाँ पर देखिए सूरज उनकी तरफ असेंडिंग यानी उनकी तरफ आ रहा था, पड़ रहा था और उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने प्रीवियस नाइटफॉल से यानी प्रीवियस नाइट से उसने कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज वन आई देन द अदर।
अब देखिए यहाँ पर उसे डर लग रहा था उड़ने में, तो उसने एक एक कर कर अपनी आंखें बंद करी, अपने पर खोले और उसने उड़ने की कोशिश करी। देखिए माउंटेन का ये जो पार्ट है नैरो, इसे लैज बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन द फर्दर पोर्शन, आगे बढ़ते हैं। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलन एस्लीप स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं जो उस प्लेटो पर वो गए थे वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली बिजी थी, उसके फादर मतलब अपने फेदर्स को मेनटेन कर रहे थे, उसके मतलब भाई बहन जो थे वो इधर उधर घूम रहे थे, और सिर्फ उसकी मम्मी थी जो उसको लगातार स्टेयर कर रही थी, उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड साइन स्क्रैब ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, द साइट ऑफ द फूड मैडेंट हिम, हाउ ही लव टू टेयर फूड दर वे स्क्रैपिंग हिज बीक एंड अगेन टू वील इट। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसकी मम्मा का थोड़ा अपीयरेंस बताया गया कि मतलब वाइट कलर में वो दिखती थी, और उन्होंने मतलब एक पीस ऑफ फिश मतलब निकाला मतलब पानी में से, और उसको मतलब खाना जो है बहुत पसंद था, तो इसी वजह वो देखिए इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो खाने के लालच में उसे सिर्फ उड़ाना चाह रही थी, उनका यही मोटिव था। अब यहाँ पर वो रोने लगा वो छोटा बेबी, बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो चाह रहा था कि मतलब उसकी मम्मा उसे खाना दे दें। शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, और उसकी मम्मा ने उसे मतलब उसके ऊपर चीखा, बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लगातार वो लगभग चीखे जा रहा था। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, ही वेटेड फॉर अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई ही शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसकी मम्मा का मोटिव ये था कि मतलब अपने वो बीक में यानी अपनी चोंच में वो फिश का टुकड़ा लेकर उससे दूर जा रही थी, और वो ये चाह रही थी कि मतलब उड़कर उनके पास जाए। और विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड आउटवर्ड इनटू स्पेस, देन अ मॉन्स्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नॉट नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी देन ही फ्लेप्ड हिज विंग्स वंस एंड सोर्ड अपवर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, अपने विंग्स को बार बार खोल रहा था, बंद कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, सो दैट ही कुड फ्लाई, मतलब खड़े होकर ही अपने विंग्स का वो मूवमेंट कर रहा था, अपने विंग्स को खोल कर वो चाह रहा था कि वो उड़ जाए। अब यहाँ पर हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, काफ़ी ज़्यादा वो चीख भी रहा था, ही आंसर्ड हर मदर विद अनदर स्क्रीम दैट हिज देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर दिख रहा था कि उसके भाई बहन जो थे वो मतलब लगातार उड़ रहे थे और वो लगातार मतलब डाइविंग कर रहे थे पानी में, काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने सीखा था वो सब एक्ट करके दिखा रहे थे। देन ही कम्प्लीटेड फॉर गुड दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। अब यहाँ पर देखिए वो चीखने लगा काफ़ी ज़्यादा उन्हें देखकर, और वो कोशिश करने लगा कि वो उनकी तरह मतलब उड़ने लगे। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम विद लिटिल रेजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूज्डली हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर वो लोग उड़ने जा रहे थे तो उनके नीचे ग्रीन कलर का मतलब फ्लोर था, देवर बेकनॉकिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग सैंक इनटू इट, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक एंड विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड।
अब देखिए यहाँ मैं बता दूँ आपको, इन शॉर्ट क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर वो लोग उसे उड़ाकर ले गए थे अपने थ्रू, अपने साथ उस ग्रीन सी पर, और वहाँ पर वो लोग उसे छोड़ने वाले थे ये सोचकर कि शायद वो डर से अपने विंग्स को फ्लैप कर और उड़ने लगे। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए वो ही वॉज अनेबल। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर, उसके पंजे हल्के से ग्रीन सी में डूबे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर। और उसका मतलब जो बेली थी, उसका जो पेट था, वो भी हल्का सा उस पर टच हुआ। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर फ्लोट करने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और आसपास उसकी फैमिली उसकी स्क्रीम कर रही थी और उसे ऑफर कर रही थी वो फिश। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, फाइनली वो उड़ गया था। एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि हमारे इस पार्ट का नाम था, जो कि हमारे बुक के टाइटल का भी नेम है, फर्स्ट फ्लाइट। तो ये था हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नेम है द ब्लैक एरोप्लेन। एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ये पार्ट थोड़ा प्रीवियस वाले से इंटरेस्टिंग है, सो आप लोग ध्यान से सुनिए। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। देखिए यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि कोई बंदा जो है वो आसमान में है, एरोप्लेन में, और उसके आसपास मतलब आसमान काफ़ी साफ है, कोई क्लाउड नहीं है, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा खुश है ये देखकर, ये अपने आसपास सिचुएशन देखकर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, एक ऐसी फ्लाइट थी जो कि डकोटा जा रही थी बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पर एक हम ऐसे पायलट के बारे में बात करेंगे जो अपने एरोप्लेन में मतलब बैठ कर अपने घर डकोटा वापस जा रहा है अपनी फैमिली के साथ, सो दैट ही कुड हैव ब्रेकफास्ट विद दैम एंड ही कुड इन्जॉय विद दैम। लेकिन ऐसा हो नहीं मतलब हो नहीं पाता ऐसा, इसलिए क्योंकि वो फंस जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाता है वहाँ पर। तो स्टोरी में हम यही डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर फिलहाल टाइम चल रहा है 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि 1:30 बज रहा है रात का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी। देखिए यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ये रेडियो से कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि पायलट जो भी होते हैं, एरोप्लेन जो चला रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़े कंट्रोल सेटअप से जुड़े हुए होते हैं, कंट्रोल रूम से जुड़े हुए होते हैं, जो कि उन्हें गाइड करता है उनके आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या एन अदर एल्स। तो उसने मतलब पेरिस के कंट्रोल रूम में लॉग इन करा रेडियो के थ्रू, और उसने बोला आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और कि मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड जाने के। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, उसको फ़ौरन आंसर मिला, और DS-088 ही उसका कोड था, आई कैन हेयर यू। और उससे बोला गया कि यस हम आपको सुन सकते हैं, यू हैव टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। यहाँ पर उनसे बोला गया है पायलट से कि आप जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ फेस हो जाओ और इट्स ओवर, यानी कि जब वो अपनी कॉन्वर्सेशन मतलब ख़त्म करते थे तो वो ओवर बोला जाता है। आई चेक द मैप एंड द कंपस स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसने देखिए अपने मतलब जो सेटअप था वो चेक किया, उसने अपना कंपास चेक किया, और उसने अपने एंड स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसने अपने सेकेंड और लास्ट उसका फ्यूल टैंक जो था उसको स्विच किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और उसने 12 डिग्रीज को अपना एरोप्लेन को अपना मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जैसा कि उसे बताया गया था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल। अब यहाँ उसने सोचा कि मैं मतलब टाइम पर पहुँच जाऊँगा ब्रेकफास्ट के, और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत आसान मतलब एक ईजी फ्लाइट थी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसमें नहीं थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी वैन आई सॉ द क्लाउड्स, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स। लगभग पेरिस से वो 150 किलोमीटर की दूरी पर था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर, मतलब वो जहाँ पर आ गया था उससे पीछे 150 किलोमीटर वो पेरिस को छोड़कर आ गया था, यानी कि पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था। अब यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स देखे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स देखे, दे वर ह्यूज, काफ़ी बड़े क्लाउड्स थे, तूफानी क्लाउड्स। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे ब्लैक कलर के पहाड़ों उसके तरफ। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर हिम,
ओवर दैम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और उसको ये वाली बात अच्छे से पता थी कि वो उन क्लाउड्स के ऊपर नहीं उड़ सकता था और उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वापस जा सके। ऐसा कि मैंने आपको बताया वो वेस्ट में जा रहा था, उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस कर सके। आई हैव टू गो बैक टू पैरिस आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। अब वो सोच रहा था कि शायद वो वापस पैरिस चला जाए, लेकिन वो चाहता था कि वो अपने घर ही वापस जाए डकोटा। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उसे ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, उसने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्ट्रॉम। अब वो स्ट्रॉम के रास्ते में चला गया। इन साइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जहाँ तक आज जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा वैसे ही सडनली सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग, इम्पॉसिबल हो गया था कुछ भी देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास आई कुडंट लीव। अब उसका एरोप्लेन मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट होने लगा क्योंकि स्ट्रॉम वॉज वेरी हार्ड, और उसने कंपास की तरफ देखा, फिर उसने बोला कि आई कुडंट बिलीव, यानी कि सिचुएशन ऐसी आ गई थी दैट इट वॉज हार्ड टू बिलीव। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये कुछ पिक्चर है उस सिचुएशन की। सब आप यहाँ पर ब्लैक क्लाउड्स देख सकते हैं ओवर हेयर, और उसने अपने साइड आसपास एक एरोप्लेन भी देखा। पढ़ते हैं आगे, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास की डायरेक्शन स्टूडेंट्स मतलब वो 360 डिग्री रोटेट कर रहा था, वो डेड हो चुका था। इट वॉज नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए थे। उसने फिर ट्राई करा रेडियो के लिए, पैरिस कंट्रोल, पैरिस कंट्रोल ही मतलब उसने बोला रेडियो में पैरिस कंट्रोल रूम कि मतलब वो उसे सुन सकते हैं या नहीं। देर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। उसके पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, ना वो देख सकता था कि वो था कहाँ पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, वो स्ट्रॉम में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब उसके आसपास ब्लैक क्लाउड्स के पास उसने एक अनदर एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उस पर कोई लाइट्स नहीं थी उसके विंग पर, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम। लेकिन वो फिर भी उसे देख सकता था उस स्ट्रॉम में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, उसने देखा कि उस एरोप्लेन में एक पायलट बैठा था जिसने उसकी तरफ टर्न कर देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब उसने अपना हाथ ऊपर करा, वेव करा मतलब सो दैट पायलट समझ जाए कि वो उसके लिए आया है। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, अब उसने उससे बोला जो उसका सेवियर आया था, उसने दूसरे पायलट से बोला कि फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉ, उसे पता था कि वो खो चुका था। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और उसे लग रहा था कि वो उसको बचाने ही आया है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। अब उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ ही टर्न करा डकोटा की तरफ, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, सो कि वो आसानी से उसको फॉलो कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर उसने अपने आप को एक ओबीडियंट चाइल्ड से कंपेयर करा, क्योंकि वो अच्छा बच्चा मतलब अगर बोला जाता है उसे फॉलो करो तो उसे फॉलो करना चाहिए, तो उसने भी उसको फॉलो करा उस एरोप्लेन को उस हैवली स्ट्रॉम में। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। लगातार आधे घंटे के बाद भी वो ब्लैक कलर के क्लाउड्स में उसके सामने जो एरोप्लेन चल रहा था जिसे वो फॉलो कर रहा था वो स्टिल वहाँ पर था। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब देखिए यहाँ सिचुएशन बताई जा रही है कि उसके एरोप्लेन में सिर्फ 5 or 10 minutes तक ही फ्लाई करने का फ्यूल बाकी था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब उसे यहाँ डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अब वो फिर उसके आगे जो एरोप्लेन चल रहा था वो नीचे जाने लगा और उसने उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब सडनली वो स्टॉर्म से बाहर आया और उसने नीचे की तरफ देखा, उसके सामने काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइट्स की लाइन्स थी। इट वॉज अ रनवे, वो एक रनवे था। रनवे मैं आपको बताना चाहूँगा, रनवे एक मतलब ऐसी स्पेस होती है जहाँ से एरोप्लेन वगैरह लॉन्च होते हैं। एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, उसने देखा कि एक एयरपोर्ट था उसके पास, उसने अपने आप से बोला आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब उसने देखा कि उसका जो मतलब उसका जो फ्रेंड एरोप्लेन था, लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। द स्काई वॉज एम्प्टी, देर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, उसने उसे कहीं नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर।
आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर जब वो एयरपोर्ट पर मतलब जब वो लैंड हुआ था तो उसने सोचा कि मतलब पता नहीं वो कहाँ गया, क्योंकि उसे डायरेक्शन मालूम नहीं थी, और उसने डिसाइड करा कि वो अंदर जाकर उस पायलट को थैंक यू बोलेगा। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब वहाँ पर अंदर जो एक लेडी बैठी थी उसने उसकी तरफ देखा और काफ़ी अजीब तरह से हंसी। अनदर एरोप्लेन, अब देयर इज इन दिस स्टॉर्म नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, योर्स वॉज द लास्ट ओनली आई कुड सी एट द रडार। अब उस लेडी ने उससे पहले उस जो पायलट आया था उसने उस लेडी से पूछा कि और भी एरोप्लेन्स मेरे अलावा यहाँ पर आया है कोई, तो उसने बोला नहीं, रेडार में मुझे सिर्फ एक तुम्हारे एरोप्लेन दिखाई देता और एक सिर्फ तुम्हारे एरोप्लेन यहाँ आया है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। सो अब उसके माइंड में, उस पायलट के माइंड में क्वेश्चन पुट अप हुआ, रेज हुआ कि मतलब फिर वो कौन बंदा था जिसने मेरी हेल्प करी बिना किसी कंपस रेडियो और बिना किसी फ्यूल के। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन वो अजीब मतलब पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन में फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि उड़ रहा था हैवी स्टॉर्म में विदाउट एनी लाइट्स। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स चैप्टर फिनिश हो गया है, यहाँ पर कंक्लूजन यही निकला कि उसने किसी एरोप्लेन को देखा लेकिन वो कंक्लूड नहीं कर पाया कि वो कौन सा पायलट था कौन सा एरोप्लेन था। सो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर इन अवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ एडवांस स्टडी। थैंक यू एवरीवन।